सर ये बटन आपने जानबूझ के खुला रखा है कि रह गया? मैं बड़ा परेशान था, मैंने 3 बार चेंज किया बटन। एक जो स्टाइलिस्ट आ गए ना, बड़े अच्छे स्टाइलिस्ट है मेरे, वो मुझे बोले डबल ब्रेस्टेड है, फिर पेट अंदर रखना पड़ रहा है, फिर मैंने दोनों बटन बंद किए, कहते नहीं दूसरा बटन बंद नहीं होता, एक ही बटन बंद होता है। अच्छा, तो मैं स्टाइल, अनुपम दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टाइल, स्टाइल स्टाइल तो होना चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए यार, वो तो तेरी हमेशा से स्टाइल है, ये नई स्टाइल। चलो ठीक है, मेरे मुझे तो अभी तो ठीक है, जब हम सोफा बैठेंगे फिर कैसे करेंगे? अरे खोल लूंगा मैं, मतलब हाँ ये थोड़ा शुरू में हो गया, उसके बाद तो फिर जैसे ये बैठे वैसे ही बैठूंगा। बड़े चमक रहे हो सर। नहीं वो तो चमक होते रहते, ये सड़ रहे हैं जो बाल वाले लोग एक्चुअली मुझसे हैं, बोलते रहो चमक और क्या कर रहा हूँ। नहीं मैं ये बोल रहा था कि ये नीना जी और सारिका जी का असर तो नहीं है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स इनका तो असर है ही, अर्चना जी का भी आज तो असर हो गया। ऑफ कोर्स ऑलवेज ऑलवेज। और मैं आपने जो अपना हेयर स्टाइल जेल लुक लास्ट टाइम जब मैं शो में आया था आप बिल्कुल अलग लगते थे, अब मैं आप लोगों की फोटो में देखता हूँ कुछ नया ही रूप लेकर आए हो आप। बस सर ऊपर वाले ने शादी करवा दी और बीवी ने चेंज कर दिया सारा कुछ, क्या करें। आप बताइए ना, आप क्या बताऊं, क्या सवाल क्या था आपका सर? नहीं मैं सवाल तो ये बोल रहा था कितनी मस्ती आप सेट, मस्ती आप बताइए ना, हम मस्ती करते थे सबसे ज्यादा, तो आप करते हैं आप बताइए, मैं तो सिर्फ सुनती थी। नहीं नहीं इन्होंने जब पहला डायलॉग बोला हमारे, हम शूटिंग कर चुके थे सारे एक्टर्स, सारिका जी के हाथ काम कर चुके थे, बच्चन साहब हम कर चुके थे, मैं बता देता हूँ। हाँ। तो रिसेप्शन का शॉट था, बच्चन साहब खेर साहब और मैं खड़े हैं और रिसेप्शन की चाबियां बांट रहे थे, अभी पहुंचे हैं होटल में। और इनका पहला शॉट है वहाँ सोफा पे, नीना जी सड़ी सी बैठी हूँ। हाँ अच्छा, और चाबी में देने में यार यू मिस दिस यार यू मिस दैट वो करते ना, तो नीना जी का डायलॉग तो सब क्वाइटली बात करे रिसेप्शन पे कि हमें ये, तो पहला डायलॉग क्या बता दीजिए, चाबी कब मिलेगी? हम अब एक्टर ऐसे हो गए सब क्वाइट, और मैं चाबी कब मिलेगी लाइक दैट, ये मेरा पहला एक डायलॉग में इन्होंने अपने पूरे कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर दिया, क्या बात है, दैट वाज फैंटास्टिक। और मैंने खेर साहब को कहा and he was working with her for the first time. That she has come to the party. She has come to the party like bang, chabi kab milegi, she was on spot on, she what a fine actress she is, what a fine usually, thank you John. मैं एक बात बताना चाहूंगा, sorry ये फिल्म दोस्ती के बारे में, I'll tell you something, आप बोले ना इतने दिग्गज कलाकार एक से, मतलब सीधे experience, मतलब 1, 2, 3 बच्चन साहब और मैं 20-22 साल का को एक्सपीरियंस, एक्चुअली 25 साल का एक्सपीरियंस, इट एड्स अप टू 350 साल का एक्सपीरियंस है एक्चुअली, अगर हर एक के कैरेक्टर के देखा जाए। और फिर भी कमाल ये है कि अगर सारिका जी ने, नीना जी ने अच्छा कोई शॉट दिया और वी यूज टू गेट वेरी मूव्ड, यू वुड ऑल गो वन बाय वन, पुट योर हैंड ऑन द शोल्डर एंड से वी आर इट्स सो ब्यूटिफुल, आप इतना खूबसूरत आपने काम किया, इतना खूबसूरत शॉट दिया, सपोर्टिंग ईच अदर एज एक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क होती है इसमें, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं जब भी मैं शॉट देता था मुझे लगता था कि कोई शॉट में कमी रहेगी तो पहला मैं पलट के देखता था या रिहर्सल वाला का, एंड दैट इज सपोर्ट, that is love for actors, for one another, for friendship, because eventually film is about friendship, aur abhi competition kya hote hai actor, correct, yeah, kitni khoobsurat cheez hai ye, we are so lucky to have each other, sach bata raha hu, ye ek film thi, I don't know aapne note kiya ki Amar Prem film dekhi aapne, aap kaise dekhi Amar Prem mein, you will like this trivia कि अमर प्रेम पिक्चर शुरू होती है, एक गाना पीछे चल रहा है ना बीती जा, तो दो कदम रुकते हैं और वो कदम मुड़ते हैं, फिर वो कदम चलते हैं, वी डिस्कवर राजेश खन्ना जी, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोठे पे जाते हैं, अंदर जाके दरवाज़ा खोलती हैं शर्मिला जी और वो कहती हैं तुम्हारा नाम, कहता पुष्पा, कहता आज के बाद मैं रोज़ तुम्हारे घर पर गाना सुनने आऊँगा पुष्पा, और उसके बाद पूरी फिल्म में उसको कोई गाना नहीं गाने देते, चारों गाने खुद You're right. चिंगारी कोई भर के कुछ तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ, खुद ही गाते चले गए।
एक्चुअली पाजी देखा जाए, धर्म पाजी के साथ भी कभी कभी बैठते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं, कहते हैं यार आजकल तो जितने भी लोग आते हैं सब अपनी अपनी वैनिटी में चले गए, हम तो वहीं पे ही शूट खत्म हुआ, शूट पैकअप होने के बाद उधर ही टेबल भी लग जाता था, बोलते उधर ही सामान भी लग जाता था, सारा खाना पीना। और वाकई पाजी जिंदगी कितनी बदल गई है एक्चुअली, बातें नहीं होती इन लोगों की आपस में, इंटरेक्शन ही खत्म हो गया, इंटरेक्शन। दैट्स व्हाई हमारे रिश्ते, मेरे रिश्ते जो हम, मैंने जब उन फिल्में की थी, चाहे वो मिथुन हो, चाहे वो कोई भी हो, अनिल हो, या जितने भी सारे एक्टर्स हैं, अक्षय हो, उन सब के साथ, माधुरी हो, श्रीदेवी हो, उनके साथ रिश्ते हमेशा रहे, बिकॉज बात करने को होती थी ना, राइट। बिकॉज हर कोई अपने मैनिटी मैन में नहीं जाता था, अपना मोबाइल लेकर अपने सोशल मीडिया में नहीं था, उसके भी फायदे थे, बट उस तब रिश्ते बनते थे, अब सिर्फ फिल्में बनती हैं। मेरी पहली पिक्चर में, फर्स्ट कमर्शियल हिंदी पिक्चर में, मुन्ना भाई MBBS में, दत्त साहब का भी पहला दिन था शूटिंग का, सुनील दत्त साहब 16 साल के बाद शूटिंग कर रहे थे, और मेरा भी पहला दिन ही था। अच्छा। हाँ, तो मैं तो बहुत नर्वस, उन्होंने मुझे कहा, मैं भी बहुत नर्वस हूँ, मुझे कि आप क्या बात करें, आप ऐसे बात करें तो मैं डर जाऊँगा। लेकिन लंच का टाइम हुआ तो, सर लंच कहाँ, वैन में, सब चले गए वैन में अपने अने, मैं वैन में नहीं जाऊँगा, सबको बोलो यहाँ आने, साथ में खाएंगे, करेक्ट, कोई पिक्चर बनती है, ही रिफ्यूज्ड, साथ में लंच कैसे भी करके, दो चार छतरी पकड़ के हम लोग ने खाना खाया, लेकिन एक साथ खाया, और फैमिली एंड अ यूनिट दैट ईट्स टुगेदर बॉन्ड्स टुगेदर एक्चुअली। नीना मैम की ऊंचाई से पहले गुड बाय फिल्म आई जो बच्चन साहब के साथ थी, तो मैम आपने बच्चन साहब को बोला हुआ कि जब आप अपने बारे में बात करें फिल्म की तो मेरा भी नाम ले लिया करें, या उन्होंने आपको काम पे लगाया हुआ है कि लेडीज बार्गेनिंग अच्छी करती हैं? गजराज सर के बारे में हमने सुना है कि वो प्रोड्यूसर को ये बोलते हैं कि आप मुझे साइन करो, नीना जी को मैं ले आऊंगा, ऐसा हमने अफवाह सुनी है। बकवास, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, हमने कोई फिल्म ही नहीं की बधाइयों के बाद मैंने और गजराज जी ने, पर वो तो मार्केट में यही बोल रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा होगा। गुड वन। मैंने आपका एक और वीडियो देखा जिसमें आप अपने किसी रिश्तेदार घर दिल्ली में अचानक से बिना बताए, मेरी माँ के पास, मम्मी के पास तो जाते रहते हैं, अपने में चाचा जी के पास, चाचा जी के पास, चाचा जी के सीधे फोन ऑन करके आप गए, पर आपको भी सोचना चाहिए, जरूरी थोड़ी चाचा जी आराम से टीवी देख रहे हो। जिन चाचा जी के मैं घर गया था, मुझे पता था वो टीवी ही देख रहे होंगे। ओहो, किशोर दा का गाना, पर मैं एक किस्सा भी सुनना है फिर आपसे, एक हालांकि आपने अभी अभी वो किस्सा सुनाया है एक शो में, इंडियन आइडल में सुनाया है। पहले वो सुनाइए सर, पहले किशोर दा का किस्सा, आपका शो 5 तारीख को आएगा, वो कहेंगे हमारे को कोई बात नहीं, सर आप सुनाइए, ये ज्यादा लोग देखते हैं, पहले गाना दो। दो बार सुनने में मेरा किस्सा इतना अच्छा है, 4 बार सुनेंगे तो क्या गाना, हम किशोरदा का 50,000 बार सुन लेते हैं, किस्सा क्यों नहीं सुन सकते दूसरी। मेरी पहली मुलाकात किशोर कुमार साहब से हुई थी जब मैं सारांश की शूटिंग कर रहा था, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं टैक्सी में जाता था महबूब स्टूडियो से, अच्छा मेरा घर जो था महबूब स्टूडियो से कुछ 8 कदम की दूरी पर था, अच्छा जी, वहीं पर सेंट पॉल रोड पे, पर मैं सोचता था कि मैं तो अब फिल्मों में आ गया हूँ तो मैं पैदल चलता हूँ बड़ा अजीब लगूंगा। तो मैं क्या करता था, मैं टैक्सी लेता था अपने घर से और उसको कहता था कि बैंड्रा स्टेशन चलो, अच्छा, और बैंड्रा स्टेशन पहुंच के कहता था, नहीं नहीं यार मैं कुछ भूल गया, एक बार काम करो महबूब स्टूडियो ले चलो। अच्छा। तो मैं महबूब स्टूडियो एक बार रुका तो देखा एक धोती, सिर्फ मुझे टैक्सी के फ्रेम में धोती नजर आ रही है, और एक आदमी कह रहा टैक्सी से उतरो, टैक्सी से उतरो, टैक्सी से उतरो, टैक्सी टैक्सी से तुम उतरोगे मैं बैठूंगा, तुम उतरोगे मैं, मैंने देखा किशोर कुमार, दादा उतरिए 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 जल्दी, मैं बाद में करना, दादा दादा बाद में करना, उतरिए उतरिए पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, करके निकल गए। ये मेरी पहली मीटिंग थी। दूसरी बार कट टू लाइफ ने मुझे किशोर कुमार शो का मेंबर बनाया। अच्छा, किशोर कुमार लंदन में शो कर रहे हैं और वेम्बली स्टेडियम में 60,000 की उसमें, और मुझे उसमें एक गाना गाना था और एक एक बाल वालों के ऊपर कुछ एक स्टोरी करता हूँ मैं, बालचंद। अच्छा जी, तो मैं शबाना जी के साथ गाना गा रहा था, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा, उसके बाद मुझे करना था। तो शाम को शो था, दोपहर में रिहर्सल थी कल्याण जी आनंद जी का, पूरी भीड़ लगी हुई थी ऑर्केस्ट्रा की, पूरे कुछ 200 लोग थे और परफॉर्म कर रहे थे, मैं वेट कर रहा था, सारे चले गए थे, तो मैं स्टेडियम में अकेला बैठा था 60,000 की सीट में, और किशोर कुमार, तो किशोर कुमार आए सिर पे वो माइनर्स टॉर्च लगा के, होते ना माइनर्स जिसमें, और गाना तेरे नैना, एक के बाद एक गाने गा रहे हैं, और मैं मतलब पागल हो रहा, मैं
क्या गा रहे हैं, ओ माय गॉड, चिंगारी कोई। फिर उन्होंने मेरा वो फेवरेट गाना उन दिनों होता था, जिंदगी की यही रीत है हार के बाद जीता, क्योंकि स्ट्रगल करते थे, काम मिलता नहीं था, तो मुझे लगता था कि गाना करने, कभी कभी गाने बड़े हेल्प करते हैं, और मुझे वो जबान ही याद था, उल्टा याद था। तो दादा ने गाना शुरू किया, जिंदगी की यही रीत है, मैंने कहा मेरा फेवरेट गाना। नेक्स्ट लाइन गाई तो कुछ थोड़ा चेंज करके गाए, थोड़े ऐसा कुछ किया। मैंने कहा यार ये तो ट्यून तो कुछ और है, शाम को अगर गाएंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि गलत गा। तो मेरे मुंह से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ दादा दादा, तो पीछे कल्याण जी आनंद जी कह रहे रिहर्सल पागल है क्या, मतलब पागल है रिहर्सल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं दादा जो है शाम को अगर ये ट्यून गाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दादा रुक गए। हाँ बोलिए कौन, आप कौन? मैंने कहा अनुपम खेर। सब लोग आ गए जी, ये इसको कुछ कहना नहीं मारना नहीं। तो मेरे मुंह से कुछ और निकलना, मैंने कहा दादा आप गलत गा रहे हो, शोर कुमार को मैं बोल रहा हूँ आप गलत गा रहे हो। तो सबने अपने अपने गिटार और अपने अपने तबले उठा के ऑलमोस्ट उठा लिए कि इसको मारते हैं। तो दादा को पता लग गया कि ये पढ़ सकती है इसको। तो दादा कह रहे एक मिनट एक मिनट, अच्छा 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 मैं गलत गा रहा हूँ। हाँ दादा असली में ओरिजिनल कुछ और है और आप जो गा रहे हो भी कुछ और है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कितना बड़ा ये वो है। तो ओरिजिनल में मैंने कैसे गाया है, मैं उनको गा के सुना रहा हूँ। हे भगवान। ओह मैन। मैंने कहा दादा ओरिजिनल से, वेम्बली स्टेडियम पीछे खाली पड़ा है, मैं अकेला इस तरफ और उस तरफ 201 लोग। मैंने कहा दादा ओरिजिनल में आपने गाया जिंदगी की यही रीत। अच्छा जिंदगी की है। और ओरिजिनल अब कैसे गा रहा हूँ? तो मैंने कहा अब आप गा रहे हो जिंदगी की समथिंग। अच्छा अच्छा ओरिजिनल किसने गाया? मैंने कहा आपने। और ये कौन गा रहा है? आप, आपके बाप का क्या जा रहा है? जिंदगी की यही। Oh, this is amazing. Oh.